उधर बीकानेर जिले में 90% से ज्यादा संपर्क सड़कें लंबे वक्त से जर्जर हैं। सड़कों के किनारे कटाव और गहरे गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। ये गड्ढे हर रोज हादसे को दावत देते हैं। आपने लखनऊ के बारे में सुना होगा, जहां पूरे शहर में लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन लगता है कि राजस्थान के एक शहर में लिखना पड़ेगा कि रोइए आप बीकानेर में हैं। ऐतिहासिक धरती का हाल ही कुछ ऐसा है कि ये बात कहनी पड़ रही है। साहब, यहाँ की सड़कों के हालात ऐसे हैं कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, पता ही नहीं चलता। बीमारी में बीकानेर की सड़क पर निकले तो सिर्फ भगवान ही याद आएंगे। खासकर बीकानेर जिले के गांवों का हाल इतना बुरा है कि अगर किसी गांव या कस्बे में आपको जाना है तो जरा वक्त ज्यादा लेकर निकलिएगा, वरना लेट हो जाएंगे। अरे जनाब, रोड की हालत ही ऐसी है के कारण हमारे श्री कोलायत की रोडों की हालत खराब हो चुकी है। इसके कारण कई हमारे आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कुछ लोग घायल भी हो चुके हैं। हमारे सरकार से अनुरोध है कि हमारी गांव की सड़कों को जल्द से जल्द सही कराया जाए। सड़कों की चमड़ी उखड़ चुकी है, किनारों पर कटाव के बाद बने गड्ढे आपको कभी भी चपेट में लेकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। हादसे अक्सर यहाँ लोगों को काल के गाल में भेज देते हैं। बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, वाहन चालकों को गड्ढे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आम जनता की परेशानी की तरफ ना तो प्रशासन ही ध्यान देता है, ना ही जन प्रतिनिधियों को इनकी फिक्र है। सड़कों का आलम यह है कि किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान जब इन सड़कों से गुजरना पड़ता है तो मरने जैसी स्थिति में वो पहुँच जाती है। स्थानीयों के मुताबिक संबंधित विभाग और जन प्रतिनिधियों को लिखित और मौखिक रूप में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई हल आज तक नहीं निकला। लेकिन बीकानेर, जो अपने जायके के लिए मशहूर है, वहाँ की सड़कें लोगों के दिमाग का जायका कितना बिगाड़ रही हैं, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर।